हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स की टेस्ट सीरीज, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज रोज प्रोवाइड किए जाते हैं। आप आकलन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शंस हमें दिए हैं, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, या फिर प्लूटो और सूर्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य। खगोलीय इकाई होती है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AU से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें, तो कितने किलोमीटर्स के बराबर होती है, 149,597,870.7। यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, किलोमीटर्स में इसकी वैल्यू दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कांच परावैगनी किरणों को काट सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ऑप्शंस हमारे पास हैं, सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जेना ग्लास, या फिर क्रुक्स ग्लास। करेक्ट आंसर है क्रुक्स ग्लास। ठीक है, अब इसका एक फीचर होता है, अगर हम बात करें क्रुक्स ग्लास की, तो यह पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको काट सकता है, जिस कारण ये किस में यूज़ होता है, सनग्लासेस में। ठीक है, आईज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं सन ग्लासेस में। और किसका, कौन सा ग्लास वहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्रुक्स ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। ऑप्शन हमारे पास है, दूरी, त्वरण, गति, या फिर द्रव्यमान। अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएं, तो ये इस तरह से बनेगा, ये आपकी वेलोसिटी और ये टाइम। ठीक है, और यहाँ से जीरो जो ओरिजिन है, यहाँ से जाएगा, ये आपका एसिलरेशन है। तो ये क्या दिखाता है हमें, करेक्ट आंसर है यहाँ पे एसिलरेशन, त्वरण। ठीक है, तो जो वेग और समय का ग्राफ, जो उसमें जो ढलान बनती है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, त्वरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो कि जी है, वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। तो एक तो आपको पृथ्वी पर पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि चंद्रमा पर वही पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें द्रव्यमान की, द्रव्यमान और यहाँ पे भार हमें दिया है, जो द्रव्यमान होता है वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और जो भार है, वेट, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ बदलते रहता है, इसलिए। पर हमें यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, और द्रव्यमान चाहे चंद्रमा पर हो या फिर कहीं पे भी, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान 10 किलोग्राम दिया हुआ है, तो चंद्रमा पर भी वही 10 किलोग्राम होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, जो कि है 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पर हवा का बुलबुला किस तरह काम करेगा। ऑप्शन हमारे पास है, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, या फिर अवतल लेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अवतल लेंस। अब जो ये अवतल लेंस होता है, वो किस टाइप का होता है, इस टाइप का बनता है अवतल लेंस। अगर हम यहाँ पे, सॉरी मैं इसको दोबारा ड्रॉ करती हूँ, इस टाइप का, यहाँ पे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा बीच में, O से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसके, और दो फोकल पॉइंट्स होते हैं, F1 और F2। ठीक है, तो ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, सॉरी, अवतल लेंस,
कॉनकेव लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयोगों ने साबित किया है कि प्रकाश की गति हमेशा समान होती है? हुज एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव दैट द स्पीड ऑफ लाइट वॉज ऑलवेज द सेम? ऑप्शन हमारे पास है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, माइकलसन एंड मॉर्ले, मिलर एंड स्टेनले, या फिर वर्नर हेंसबैक। अब करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे माइकलसन एंड मॉर्ले ने ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, प्रकाश की जो गति होती है, हमेशा ही कैसी होती है, समान होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है? ठीक है, बार इज़ द यूनिट ऑफ, ऑप्शन हमारे पास है दबाव, बल, ऊर्जा या फिर आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी, है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है प्रेशर। तो जो बार होता है वो किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की, या फिर हम बोल सकते हैं दबाव की यूनिट होती है। ठीक है, किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब को हम क्या बोलते हैं? दाब। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है आपका? जो रेजिस्टेंस होता है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। और इसका रेसिप्रोकल हम कैसे लिखेंगे? 1/r। ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका ये नीचे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब आपको बताना है कि रेसिप्रोकल जो रेजिस्टेंस का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन हमारे पास है कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंडक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे हम? कंडक्टेंस बोलेंगे। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, ohm, और अगर हम बात करें कंडक्टेंस की, अब कंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/r से करेंगे, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? महो हो जाएगी इसकी यूनिट, MHO। इसका आप उल्टा कर दो MHO, तो ये इसकी कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन हमारे पास है वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन। अगर हम बात करें वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो ये किसी ना किसी फॉर्म में हमें हमारी शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। पर अगर हम बात करें विटामिन्स की, तो विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होती हैं उसमें हेल्प करती हैं। ठीक है, ये कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गोलीय दर्पण पर परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हो तो उसे डैश दर्पण कहते हैं? ऑप्शन है उत्तल, अवतल लेंस, समतल दर्पण या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि है कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अवतल लेंस किस तरह से बनता है। ठीक है, यहाँ पे अवतल, मिरर होगा, ये लेंस नहीं होगा, ये मिरर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे मिरर का पूछा हुआ है ना। अगर हम कॉन्केव मिरर को बनाएं तो कैसे बनता है? ये आप रिफ्लेक्टिंग, ये होता है हमारा पॉलिश्ड सरफेस, और इस साइड ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे फोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग ग्लास मूल रूप से है, मैग्नीफाइंग ग्लास इज बेसिकली अ, ऑप्शंस है प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या फिर सिलेंड्रिकल लेंस। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी जो कि है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, अब जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कैसे हम शो करते हैं? इस तरह से करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक है, उत्तल लेंस को हम इस तरह से करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, ऐसा लेंस जो बीच से तो थोड़ा मोटा होगा पर अगर हम एंड की ओर देखेंगे तो ये वहाँ से किनारों से कैसा होता है, पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है अवतल दर्पण। ठीक है, तो अगर हम बात करें अवतल दर्पण की तो जो इनर पार्ट्स होते हैं उनको अच्छे से देखने के लिए, क्लियरली देखने के लिए यूज करते हैं ईएनटी विशेषज्ञ। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का वेग न्यूनतम कब होता है या फिर किस में होता है, स्टील में, खालीपन में, पानी में या फिर हवा में? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वैक्यूम में। ठीक है, क्योंकि जो स्पीड होती है ना साउंड की तो वो क्या होती है, जीरो मीटर पर सेकंड होती है, किसमें, वैक्यूम में। ठीक है, 14th क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। आपको बताना है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है, बढ़ती है, घटती है या सेम रहती है या फिर अचानक से ही क्या हो जाती है, गिर जाती है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी जो कि है अपरिवर्तित रहती है, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे टेम्परेचर बढ़े घटे उससे उसका कोई भी मतलब नहीं है। और वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की वो कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र लेंस के पतले होने पर फोकस दूरी क्या होती है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ व्हेन ह्यूमन आई लेंस बिकम्स थिन। ऑप्शन हमारे पास है वृद्धि, कमी, वही रहेगी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वृद्धि होती है। ठीक है, जब मानव नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शंस है हमारे पास जूल, टेस्ला, जूल पर मीटर, टेस्ला पर मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जूल पर टेस्ला। ठीक है, आपको जो भी जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो आपको यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला याद होना चाहिए या फिर इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और डेफिनेशन के थ्रू ही आप एसआई यूनिट मेजर बता सकते हैं कि एसआई यूनिट कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू वी कॉल द सेल दैट कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हम उस सेल को क्या कहते हैं जो ईंधन के संभावित ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, संभावित ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर रहा है, बिजली में परिवर्तित कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईंधन सेल, फ्यूल सेल। ठीक है, और ये कैसे होता है, ये किस तरह से होगा, जैसे कि जब जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है ना, जब कोई भी हाइड्रोजन फ्यूल होगा तो वो किसी अन्य तो क्या करता है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल होगा वो ऑक्सीजन या फिर किसी अन्य ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करता है जिस कारण से ये होता है। ठीक है, 18th क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग के परिमाण को हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी मोबिलिटी। ठीक है, गतिशीलता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करता है? जैसे अगर हमें यहाँ पे V दिया है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, और I दिया हुआ है करंट, ठीक है, विद्युत धारा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको? I से करते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए V इज इक्वल्स टू I स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू 1/I, V अपॉन I, ये दो बराबर है कांस्टेंट के या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, जो कि है V अपॉन I इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ओम लॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला गैस का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल गैस? ऑप्शन हमारे पास है ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन या फिर मीथेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मीथेन। ठीक है, अगर हम बात करें कोल गैस की, तो कोल गैस में क्या क्या है? मीथेन है एक, तो ये हमें पता चल गया। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑटोमोबाइल के निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति के दौरान निकास गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिकतम होती है? ऑप्शन हमारे पास है त्वरण, मंडरा, बेकार चल रहा है या फिर डीएसिलरेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आइडल रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों की लंबाई मापने की क्या इकाई है? ऑप्शन है बैरल, एंगस्ट्रॉम, गार्ट या फिर कैरेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जो प्रकाश तरंगों की अगर हमें लंबाई मापनी है तो उसकी इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बी में समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना है डैट इज़ यूज इन सबमरीन टू सी द ऑब्जेक्ट्स अबव द सी लेवल। ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हैं पेरिस्कोप, पॉलीग्राफ, फोटोमीटर या फिर पाइकोमीटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस्कोप। 24th क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ओशन की डेप्थ को मेजर करे। ऑप्शन हमारे पास है फेडोमीटर, फ्लक्स मीटर, एंडोस्कोप या फिर गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फेडोमीटर। तो ये फेडोमीटर ऐसा यंत्र है जो समुद्र की गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें फ्लक्स मीटर की, तो जो फ्लक्स मीटर होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है। और अगर हम बात करें एंडोस्कोप की, तो एंडोस्कोप डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने के लिए। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर जो भी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर करने के काम आता है। ठीक है, आई रिप्रेजेंट, आई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है ना। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए खिलाड़ियों को पास्कल का नियम का ज्ञान होना चाहिए? अब जो पास्कल्स लॉ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और वो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है उसका नियम जानना। ऑप्शन है हमारे पास चढ़ना, क्लाइंबिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग या फिर स्क्यूबा डाइविंग। करेक्ट आंसर है यहाँ पे स्क्यूबा डाइविंग। अब जो पास्कल का नियम होता है वो क्या होता है? जब हम किसी बंद पात्र में रखे हुए द्रव पर दाब लगाएंगे, तो वो जो दाब होता है बिना क्षय के संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से क्या हो जाता है? संचारित होता है। और यही पास्कल का नियम है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। आप आकलन ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।